फ्री फायर के कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको फ्री फायर स्टार्ट करने में, अगर आप न्यू प्लेयर हैं या फिर आपको अच्छा खेलना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प करेगा। तो टिप नंबर वन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है बेस्ट गन्स। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा, अगर आपको नॉर्मल गेम प्ले खेलना है तो या तो आप MP40 ले सकते हो, क्योंकि देखो MP40 का रेट ऑफ फायर देखना, इतना तेज चलता है। ऐसे देखो, एक जगह फायर करूंगा ना, 20 गोली देखना कितनी जल्दी निकल जाएगा, देख लो। और अगर आपको दूसरा मैगजीन लगा लोगे, मतलब डबल मैगजीन, हाँ इसमें लगाना है, ये AN-94 फेंक देता हूँ। हाँ अब देखो, इसको रिलोड कर लिया, अब देखना है कितनी तेज़ रिलोड होगा अपने आप। देख लो, अपने आप रिलोड हो गया, वो भी इतना तेज़। और ये था पहला टिप, और अभी पहला टिप ख़त्म हुआ नहीं है, क्योंकि और भी लॉन्ग रेंज के भी गन्स के बारे में बताऊंगा आपको। तो लॉन्ग रेंज में मैं प्रिफर करता हूँ, अगर आपके पास AK का स्किन है, देख लो मेरे पास ड्रैगन AK है, तो मैं ये ले रहा हूँ। वरना फिर अगर आपके पास स्किन नहीं है AK का तो आप ना लीजिए, क्योंकि ये देख लो इसने भी डबल AK लिया है। और चलो मैं AK का डैमेज दिखा देता हूँ। अगर आपके पास रेट ऑफ फायर वाली स्किन है तो आप वो ले सकते हो, अगर डबल डैमेज वाली है तो वो भी ले सकते हो, पर या ध्यान रखना अगर डैमेज हो तो डबल हो, या रेट ऑफ फायर हो तो डबल हो, अगर दोनों सिंगल सिंगल होगा तो भी चलेगा। या फिर ड्रैगन एक के या ड्रैको एक हुआ ना, सबसे बढ़िया है। तो अब चलते हैं हम हमारे शॉर्ट गन्स की तरफ, टिप नंबर टू। तो शॉर्ट गन में मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप M10 लो, ये M1887 या फिर MAG-7, क्योंकि देखो M1887 का ये रेट ऑफ फायर देखना और डैमेज देखो, मतलब 2 गोली में लिटरली बंदा ख़त्म। मैं आपको मार के भी दिखाता हूँ, देख लो गाइस, मैं अपने वापस से जोन में आ गया, आपने देख लिया कि M18 का मतलब 1-2 गोली में बंदा ख़त्म। और MAG-7 का क्या खासियत है देख लो, इतना तेज़ रेट ऑफ फायर और डैमेज देखो इतना सारा, और मैगजीन गोली इतनी सारी है, तो सोचो क्या फ़ायदा। और रेंज देखो क्या फ़ायदा है, फ़ायदा ये देखो, रेंज देखो, रेंज भी इसका बहुत ज़्यादा है, पर ये जो एम बड़ा होने लगता है ना, उससे रिकॉइल कहते हैं, और उससे ना गोलियाँ बहुत कम लगती हैं। देख लो कितना बड़ा एम हो गया, आप इस पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो, देख लो ऐसे हेड मारने का। और देख लो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हेड शॉट और ड्रैग हेड शॉट, वन टाइम हेड शॉट और ड्रैग हेड शॉट कैसे मारते हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं अपने पेन और मेली वेपन्स की तरफ। तो मैं रिकमेंड करूँगा पेन लो, क्योंकि देखो जब आप भागोगे ना, तब समझ लो आपको ऐसे आपने किसी को मारा, डैमेज दिया, फिर वो आपको बहुत ज़्यादा डैमेज दे दी, आपकी हेल्थ कम हो गई, फिर आप अगर ऐसे गन लेके भाग रहे हो, ऐसे देखो ऐसे भाग रहे हो ऐसे, तो उसकी जो गोलियां रहती है वो सीधे पैन पे पड़ेंगी, और अगर थोड़ा उसने फायर बटन ऐसे ऊपर ले लिया तो हेड पे लगने का चांसेस है। देखो जैसे अभी करके दिखाता हूँ, देखना। अरे यार लग जा, हाँ देखो ऐसे ही, अगर उसने कोई गन ले ली ऐसी तो हेड लगने के चांसेस हो सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करूँगा पहन लो। और अगर आपको अच्छी मूवमेंट है आपका, मतलब ऐसे जल्दी ऐसे देखो ऐसे गोली मारते ही आप ये ले लेते हो, फिर आप ऐसे भागने लगते हो, तो आप हाथ में पैन लेके भागो, या फिर कोई भी मिली वेपन है या कोई नहीं है तो ऐसे हाथ खाली रख के भागो, क्योंकि इससे होगा क्या, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे देखो मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ, देखना टाइम देखना बस, ये देखो जल्दी पहुंच गया, अब वही गन लेके भागता हूँ, तो देखना।
देख लिए कितना टाइम लग गया, मतलब उतना भी ज़्यादा नहीं लगा, पर फर्क पड़ता है क्योंकि एक एक सेकंड कीमती रहता है फ्री फायर में। हल्का सा भी इधर उधर हुआ बंदा खत्म। तो बढ़ते हैं हमारी टिप नंबर 3 जो कि है स्नाइपिंग। तो आप देख लो स्नाइपर्स 3 टाइप की होती है, मतलब टाइप तो मतलब बहुत सारी होती हैं, समझ लो AWM हो गई, या तो AWMY तो मतलब वही है, उसमें बस एक अलग से रहता है, उसके अंदर डालना रहता है, वो रहता है AWMY में, और कुछ फर्क नहीं है। और एक M82V, ये 2 है आपको नॉर्मल गेम में, ये 2 मिल जाएंगी। और एक है CAR-98, वो शायद से इधर दिख तो नहीं रही। हाँ तो मैं एक बार AWM लेके दिखाता हूँ और M82V लेके दिखाता हूँ। और देखो और आप स्नाइपर ऐसे चलाओ, अब मैं रिकमेंड करता हूँ M82V में तो पहले से ही मैगजीन रहता है इसलिए 8 एमओ रहता है, पर AWM अगर आप चला रहे हो CAR-98 मैगजीन लेवल 3 लेना, ताकि इसमें बहुत ज़्यादा गोली हो। देख लो अब आपको समझ लो, देख लो एक गोली में 300 का डैमेज। अब देखो इसको मैं वेस्ट पहना देता हूँ, 4 लेवल का, ये 3 का हेलमेट और 4 का ये। चलो अब देखना है डैमेज 90 का, और नॉर्मली तो लोग 3 का वेस्ट पहन के घूमते हैं, तो 3 के वेस्ट में देखो इतना डैमेज, और 2 के वेस्ट में तो मतलब भाई पूरा 150 का डैमेज, 1 लेवल के वेस्ट में 200 का डैमेज, एम्प्टी में 300 का डैमेज, और हेड पे देख लो 473, और जब पूरा एम्प्टी रहेगा तो देखो 1100। तो देख लिए, और M82V का ये फ़ायदा है, समझ लो कोई ऐसे ग्लूअर लगाया है इधर पे ऐसे, और इसी के पीछे खड़ा है, आपको दिख नहीं रहा है पर आपको पता है कि ये बंदा इधर ही खड़ा है, तो आप स्कोप लगाओ या तो बिना स्कोप के भी इधर ही ऐसे फायर कर दो आप ग्लू वॉल के पीछे, तो फिर उस बंदे को 93 तक का या 73 तक का डैमेज पड़ सकता है M82V से। और मैं आपको ऐसी टिप बताने वाला हूँ जिससे आप डबल फायर कर सकते हो एक बारी में, मतलब ऐसे AWM या कोई भी स्नाइपर में ऐसे, ये देखो कितना टाइम लग जाता है ऐसे, या तो ऐसे देख लो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर आपको फास्ट चलाना है तो बोलो, देखो मतलब बोलो नहीं, देखो बस इस पर क्लिक करना है फास्ट से, ये फायर वाले बटन पे क्लिक करना है, और ये गन चेंज का है ना इधर पे, इस पर क्लिक कर देना है फटाक से, ऐसे ही करते रहना है ऐसे ही। देख लो ऐसे ही आप बंदे को बहुत आसानी से मार सकते हो। तो बढ़ते हैं हम अपनी टिप नंबर 3 की तरफ जो कि है ये शॉर्ट वेपन्स गन। ये देखो ये डेजर्ट ईगल है, और यूजी भी अच्छी है, पर मैं रिकमेंड करूँगा आप डेजर्ट ईगल ही लो। मैं बाकी चीज़ें हटा देता हूँ। अब देखो डेजर्ट ईगल का क्या फ़ायदा है, ये गोली में 90 का डैमेज देती है, और अगर हेड लगा तो 495, अगर 3 का हेलमेट है तो मतलब 212 का। वैसे नॉर्मली तो ये क्लैश कॉड में मिलती है, नॉर्मली क्या क्लैश कॉड में ही मिलती है ये गन, और क्लैश कॉड में 2 लेवल का ही हेलमेट रहता है, तो 2 में 272 का हेड डैमेज पड़ता है। और ये गन वन टैप के लिए सबसे बढ़िया है, मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप वन टैप मारना है आपको तो यही गन लो, यही सबसे बढ़िया रहती है। ये देखो 495 का सीधा हेड, ऐसे सीधा हेड लगेगा एक गोली में, मतलब बंदा ख़त्म। और आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखोगे ना, वो लोग भी ऐसे ही चलाते हैं, और वो लोग वन टैप मार देते हैं एक ही गोली में सीधा हेड। गाइस अब बढ़ते हैं हमारी लास्ट टिप की ओर जो कि है कहाँ उतरना है और बेस्ट सेफ जोन, तो मैं वो बताऊँगा। तो आप देख लो बस हम लोग का मैच स्टार्ट होने वाला है, देख लो गाइस। तो मेरा मैप आ गया,
और अगर देखो गाइस आपको एकदम अच्छे से खेलना आता है ना, तो आप पीक, बीमा शक्ति, क्लॉक टावर, फैक्ट्री, पोचिनोक और इसके आसपास की इतने इतने की जगह में घूम सकते हो, उतर सकते हो मतलब। और अगर आपको स्टार्टिंग है और अगर आपको अच्छे से खेलना नहीं आता, नहीं खेल पाते हो और आपको अपना रैंक बढ़ाना है, तो आप ऐसे कोई भी कोने कोने की जगह में जा सकते हो। जैसे मैं देखो जा तो इधर बुलसा है, इधर पे मार, इधर जूम भी कर सकते हैं टू फिंगर से। और सेफ जोन की बात करें तो ज़्यादातर सेफ जोन मतलब बीच के एरिया में ही बनता है, जिधर आपको बताया पीक के आसपास में ही। तो अगर आपको उधरी पे जाके सीधा एक जगह पे ऐसे जाके एक जगह लेट जाओ, एक आध गन लेके कोई सेफ जगह पे लेट जाओ और जो भी बंदा है उसको मारते रहो, तो ठीक है फिर मस्त है मतलब। और VSS का भी एक फ़ायदा बता दूँ, जैसे इस पर एक अटैचमेंट रहती है VSS में, या तो VSS X रहती है, उससे अगर आप समझ लो एक गोली उसको बंदे को मारे 15 कड़े में, तो उसको मतलब 4-5 गोली चलते रहेगा 7-8 तक का अपने आप, मतलब गोली नहीं चलेगा डैमेज पड़ता रहेगा 7-8 का, वो भी 3-4 गोली। और देखो मैं थोड़ा इधर पे आ गया क्योंकि थोड़ा आगे भी लूट करना है, उधर ही मेरे को नहीं जमता ना। और देख लो मैं ये सब लूट लेता हूँ। और अगर आपको और टिप्स चाहिए तो कमेंट में बताना, और अगर आपको आज की टिप्स बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए बाय बाय।